नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जनरल नॉलेज के इस चैनल पर। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न और उत्तर पहले भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी पूछे जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे रेलवे एग्जाम, बैंक सेक्टर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न नंबर एक, अशोक ने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? सही जवाब नंबर तीन, कुषाण। प्रश्न नंबर दो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिकन हत्या हुई थी, इसे निशंक हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का क्या कारण था? सही जवाब नंबर एक, सैफुलद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। प्रश्न नंबर तीन, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? सही जवाब नंबर एक, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर चार, इन सभी में टोची गिलगित तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? सही जवाब नंबर दो, सिंधु। प्रश्न नंबर पांच, निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है? सही जवाब नंबर चार, आरावली पर्वत। प्रश्न नंबर छह, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पिपलकोट हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? सही जवाब नंबर दो, अलकनंदा। प्रश्न नंबर सात, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए, वर्तमान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब नंबर चार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। प्रश्न नंबर आठ, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? सही जवाब नंबर एक, चंपारण कृषक आंदोलन। प्रश्न नंबर नौ, किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं? सही जवाब नंबर तीन, रूस की सीमाएं सबसे बड़ी हैं। प्रश्न नंबर दस, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? सही जवाब नंबर दो, फिरोजाबाद, यह उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 11, मैकमोहन रेखा सीमा किस दो देशों को विभाजित करती है? सही जवाब नंबर एक, भारत और चीन को विभाजित करती है। प्रश्न नंबर 12, कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए में से इन्हें किसकी कमी होगी? सही जवाब नंबर तीन, विटामिन ए की कमी होगी। प्रश्न नंबर 13, बैटरी के धन ध्रुव को क्या कहते हैं? सही जवाब नंबर दो, एनोड, बैटरी के धन ध्रुव को एनोड कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव रेडियम तत्व की खोज की थी? सही जवाब नंबर चार, मैरी क्यूरिए। अब प्रश्न नंबर 15, सर्वप्रथम भारत में चेक जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ? सही जवाब नंबर एक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो और भी हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, ये जो मैं प्रश्न में आंसर में हरे रंग का कलर करता हूँ वो आपका सही जवाब है। तो देखते रहिए, और भी हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जय हिंद।